Good morning students, how are you? Hope you all are fine. Myself Vijayalakshmi Shandilye, faculty of Shivjyoti Educational Group Kota. बच्चों आज हम हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ एक गिल्लू पढ़ेंगे जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा. बच्चों इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा का एक छोटे चंचल जीव गिलहरी के प्रति प्रेम झलकता है. उन्होंने इस पाठ में उसके विभिन्न क्रियाकलापों और लेखिका के प्रति उसके प्रेम से हमें अवगत कराया है. उन्होंने गिलहरी जैसे लघु जीव के जीवन का बड़े अच्छे ढंग से इस पाठ में चित्रण किया है. तो बच्चों प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 1 गिल्लू. बच्चों सबसे पहले मैं आपको लेखिका परिचय से अवगत करवाऊंगी. महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावादी युग की महत्वपूर्ण स्तंभ मानी जाती है. उनका जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है में हुआ था. उनकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई. महादेवी वर्मा 1929 में भिक्षुणी बनना चाहती थी यानी कि सन्यासी, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद समाज सेवा में लग गई. 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के बाद उन्होंने नारी शिक्षा के मंतव्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की और उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रही. महादेवी वर्मा की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक है. महादेवी जी कवयित्री होने के साथ साथ विशिष्ट गद्यकार भी थी. उनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं: कविता संग्रह निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, सांध्या गीत, दीपशिखा, अग्निरेखा आदि. गद्य साहित्य हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ, पथ के साथी, मेरा परिवार और गिल्लू आदि. महादेवी वर्मा को उनके जीवन काल में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया. महादेवी वर्मा को प्रशासनिक, अर्ध प्रशासनिक और व्यक्तिगत सभी संस्थाओं से पुरस्कार व सम्मान मिले. भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी. यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ. विषय परिचय. मानव की भांति पशु पक्षी भी उससे उसी प्रकार प्रेम करते हैं जैसे मानव उनसे करता है. मानव की भांति पशु पक्षी भी संवेदनाओं को समझने वाले होते हैं. उनका हृदय भी दूसरों के कष्टों को देखकर करुणा से भर जाता है. बच्चों ऐसा हम मानते हैं कि मनुष्य के हृदय में या उसके मन में चाहे दूसरा मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो या जीव जंतु कोई भी हो, सबके प्रति प्रेम होता है. लेकिन ऐसा नहीं है. मनुष्य के मन में तो प्रेम होता ही है, लेकिन और जो जीव जंतु हैं, छोटे बड़े पशु पक्षी हैं, उनके मन में भी मनुष्य के प्रति अपार प्रेम और स्नेह होता है. इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने हमें पशु पक्षियों के मन में मानव के प्रति जो लगाव होता है उसी से हमें अवगत कराने की उन्होंने चेष्टा की है कि जो पशु पक्षी होते हैं वह भी मानव की संवेदनाओं को भली भांति समझते हैं, वह भी उनके कष्टों को देखकर करुणा से भर जाते हैं. प्रस्तुत पाठ गिल्लू द्वारा हमें पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम, भक्ति
और करुणा का अपार सागर प्राप्त होता है तथा छोटे छोटे जीवों के जीवन उनके क्रियाकलापों को समझने का अवसर भी प्राप्त होता है। इस पाठ में लेखिका ने हमें पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम से अवगत करवाया है कि मनुष्य के मन में पशु पक्षियों के प्रति अपार प्रेम और स्नेह होता है तथा छोटे जीवों के जीवन के जो क्रियाकलाप है उनसे भी हमें उन्होंने अवगत कराया है। पाठ का सार। गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रचना है। यह रचना संस्मरणात्मक गद्य शैली में लिखी गई है जिसमें उन्होंने गिल्लू नामक एक गिलहरी के बच्चे की चंचलता और उसके क्रियाकलापों के बारे में बताते हुए उसकी मृत्यु तक का वर्णन किया है। बच्चों, गिल्लू पाठ महादेवी वर्मा का एक संस्मरणात्मक लेखन है, यानी कि उन्होंने जो अपने घर में एक छोटे से गिलहरी के बच्चे को रखा था और उसके मिलने से लेकर उसकी मृत्यु तक के जो उसके विभिन्न क्रियाकलाप हैं उसका उन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से विशेष लगाव था। उन्होंने अपने जीवन में कई पशु पक्षियों को पालतू बनाया। एक बार लेखिका को गमले और दीवार की संधि में गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा घायल अवस्था में गिरा पड़ा मिला जिसे दो कौवों ने घायल कर दिया था। हालांकि सबने कहा कि कौवे की चोंच से घायल ये लघु जीव नहीं बचेगा। बच्चों, इस पाठ की जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उन्हें पशु पक्षियों से विशेष लगाव था। उन्होंने अपने घर में कई पशु पक्षियों को आश्रय दे रखा था या रख रखा था। इन्हीं में से एक गिलहरी का छोटा सा नन्हा बच्चा था जिसका नाम उन्होंने रखा गिल्लू। ये गिल्लू उन्हें उन्हीं के घर में मिला। उनके घर में गमले और दीवार संधि यानी कि मेल, संधि का अर्थ होता है मेल, तो गमले और दीवार के बीच में जो छोटी सी जगह होती है वहाँ पर उन्हें एक बार गिलहरी का ये छोटा सा बच्चा गिरा हुआ मिला। और जब ये वहाँ पर घायल अवस्था में था तो दो कौवे उसे अपनी चोंच से और अधिक घायल करने की चेष्टा कर रहे थे क्योंकि वे उस गिलहरी के छोटे से नन्हे से बच्चे में अपना एक सुलभ आहार यानी कि आसानी से प्राप्त होने वाला आहार ढूंढ रहे थे। घर के सभी सदस्यों ने लेखिका से कहा कि ये कौवे की चोट से घायल हुआ है इसलिए यह नहीं बचेगा, लघु जीव यानी छोटा सा जीव, लघु यानी छोटा जीव, तो कौवे की चोट से घायल होने के बाद ये अब नहीं बचेगा। लेकिन लेखिका ने उनकी बात ना मानकर लेखिका ने उसका रक्त रुई से पोंछकर उस पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। उन्होंने घर के सभी सदस्यों की बात को अनदेखा किया और वे उस गिलहरी के बच्चे को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई और उन्होंने रुई से उसका रक्त साफ किया, उस पर पेंसिलिन का मरहम यानी कि दवा लगाई और लेखिका की सेवा से इस उपचार के 3 दिन बाद ही वह गिलहरी का बच्चा कूदने फांदने लगा और लेखिका के साथ ही रहने लगा। लेखिका की सेवा से वह गिलहरी का बच्चा 3 दिन बाद ही स्वस्थ हो गया और कूदने फांदने यानी कि खेलने कूदने लगा और वह अब लेखिका के साथ उनके घर में ही रहने लगा। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा और फूल रखने की डलिया में रुई बिछाकर उसके रहने के लिए घोंसला बना दिया। वह जो गिल्लू था वह उसका नामकरण भी किया गया और लेखिका ने उसका नामकरण करके उसको नाम दिया गिल्लू। अब वह उसके रहने के लिए भी लेखिका ने प्रबंध किया तो उन्होंने फूल रखने की जो डलिया होती है उसमें रुई बिछाई और उसको लेखिका ने गिल्लू का घर बना दिया। अब गिल्लू उसी डलिया में रहने लगा। कुछ ही दिनों में गिल्लू लेखिका से घुल मिल गया। जब लेखिका लिखने बैठती तो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह उनके पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता फिर तेजी से उतरता। लेखिका
गिल्लू दिन भर लेखिका के साथ रहता, उनके साथ खेलता कूदता रहता, लेकिन जब लेखिका लिखने का कार्य करती, अपने लेखन कार्य के लिए जब वह बैठती तो गिल्लू का मन नहीं लगता था और लेखिका को परेशान करने के लिए या लेखिका का ध्यान स्वयं की ओर आकर्षित करने के लिए वह उनके पैर तक आता और पैर तक आकर वह सर से यानी जल्दी से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से वापस उतरता। यह क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। क्रम यानी सिलसिला, और गिल्लू का यह सिलसिला तब तक चलता जब तक लेखिका स्वयं उसको पकड़ने के लिए ना उठ जाती। कभी कभी वे उसे लिफाफे में बंद कर देती। गिल्लू के इन्हीं क्रियाकलापों से परेशान होकर कई बार लेखिका उसे लिफाफे में, एक छोटे से लिफाफे में बंद करके वहाँ पर टेबल पर अपने सामने ही रख दिया करती थी, क्योंकि गिल्लू उनके लेखन कार्य में बाधा डालता था। गिल्लू भूख लगने पर भूख लगने की सूचना चिक चिक करके देता, फिर काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उन्हें कुतर कुतर कर खाता रहता। जब गिल्लू के जीवन का पहला वसंत आया तो उसे खिड़की से बाहर झांकते देखते लेखिका ने खिड़की की जाली से कीले निकालकर उसके बाहर आने जाने का मार्ग खोल दिया। लेखिका गिल्लू को लिफाफे में बंद करके अपने सामने ही टेबल पर रख दिया करती थी, लेकिन उस लिफाफे में बंद रहकर जब गिल्लू को भूख लगती तो वो चिक चिक करके यह लेखिका को सूचना देता कि मुझे अब भूख लग गई है, तो लेखिका उसे काजू और बिस्कुट खाने के लिए देती। काजू गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ था। जब गिल्लू के जीवन का पहला वसंत का मतलब है अब गिल्लू एक वर्ष का हो गया था, और जब वह अपने बाहर संगी साथियों को देखता तो वो खिड़की के बाहर देख देख कर चिक चिक करता और उन्हें बुलाने की कोशिश करता। तब लेखिका को ये लगा कि अब गिल्लू बड़ा हो गया है और अब इसको भी अपने संगी साथियों के साथ बाहर खेलने जाने देना चाहिए। तो लेखिका ने जो खिड़की की जाली थी उसकी कीलें निकाल कर वह मार्ग गिल्लू के आने जाने के लिए उन्होंने खोल दिया। वह दिन भर भले ही उछल कूद करता रहे मगर शाम ढलते ही अपनी टोकरी में आ बैठता। जब कभी लेखिका घर से बाहर जाती तो उसे उनके घर लौटने का इंतजार रहता। वह लेखिका की थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। गिल्लू दिन भर अपने साथियों के साथ बाहर कूदता फांदता रहता, खेलता रहता, लेकिन शाम ढलते ही यानी कि संध्या के समय वह अपनी टोकरी जो कि फूलों की डलिया में रुई बिछाकर लेखिका ने जो उसका घर बनाया था उसमें आके बैठ जाता था। लेखिका जब भी घर से बाहर अपने किसी कार्य के लिए जाती तो गिल्लू उनके आने की प्रतीक्षा करता रहता। वह लेखिका की थाली में से एक एक चावल बड़ी सफाई से उठाकर खाता था। जब भी लेखिका खाना खाने के लिए बैठती थी तो वह भी उनके पास जाकर बैठ जाता था और उन्हीं की थाली में से एक एक चावल को बहुत सफाई से, यानी कि वह बिल्कुल गंदगी नहीं करता था, बहुत सफाई से वो अपना भोजन किया करता था। एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल हो गई। अस्वस्थता के कारण जब लेखिका को कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा तो गिल्लू ने भी अन्न जल को मुंह नहीं लगाया। लेखिका के घर लौटने पर वह अपने पंजों से उनके बालों को परिचारिका के समान सहलाता। एक बार लेखिका का एक्सीडेंट हो गया था, दुर्घटना उनके साथ घट गई थी और इसके लिए उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में भी रहना पड़ा। जब लेखिका अस्पताल में थी तो लेखिका की याद में गिल्लू ने अपना अन्न जल भी त्याग दिया था। उसने अपना प्रिय खाद्य काजू वह भी नहीं खाया था और वह भूखा ही रहता था। लेखिका जब वापस घर लौटी तो वह लेखिका के सराहने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता रहता। एक परिचारिका की भांति, परिचारिका यानी सेविका की भांति वह उनके बालों को धीरे धीरे से होले होले से सहलाता रहता था। जब लेखिका दोपहर में काम करती तो वह उनके पास रखी सुराही पर लेट जाता, जिससे वह उनके निकट भी रहता और गर्मी से भी बचा रहता। लेखिका जब दिन में अपना कार्य करती थी तो गिल्लू उनके पास ही रखी सुराही जो पानी भरने के काम में आती है, उस सुराही पर लेट जाता क्योंकि वो बाहर से बहुत ठंडी होती है,
और वह उनके इस तरह से उसको गर्मी से निजात भी मिल जाती थी और लेखिका का सामीप्य भी उसे मिल जाता था। अपनी जीवन यात्रा के अंतिम दिनों में वह झूले से उतरकर उनके बिस्तर पर आ गया, यानी कि जब गिल्लू का अंतिम समय नज़दीक आया तो वह थोड़ा अस्वस्थ हो गया और अंतिम समय में वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के पास आकर बैठ गया। उसने खाना पीना और बाहर जाना छोड़ दिया था, उसने सब कुछ खाना छोड़ दिया था, ना वो कुछ खा रहा था ना ही पी रहा था और उसने बाहर आना जाना भी छोड़ दिया था। अपने ठंडे पंजों से उसने लेखिका की उंगली पकड़ ली, उन्होंने हीटर जलाकर उसे गर्मी दी, किंतु प्रभात की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही वह पुनर्जन्म लेने के लिए सो गया। गिल्लू लेखिका के बिस्तर पर आकर उनके पास ही लेट गया, उसने अपने ठंडे ठंडे पंजों से जो बहुत ठंडे हो रहे थे लेखिका की उंगली पकड़ ली, तो लेखिका ने उसको उष्णता यानी गर्मी देने के लिए हीटर चलाया ताकि उसकी जो ठंड है वह दूर हो। लेकिन जैसे जैसे सुबह हो रही थी यानी कि प्रभात जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था, गिल्लू दूसरा जन्म यानी पुनर्जन्म यानी दूसरा जन्म लेने के लिए सो गया, यानी कि वह उसकी मृत्यु हो गई। लेखिका ने खिड़की की जाली बंद कर दी। गिल्लू के मृत्यु के पश्चात लेखिका ने जो खिड़की की जाली थी जो उन्होंने गिल्लू के बाहर आने जाने के लिए उसकी कीलें निकाल कर खोल दी थी वह अब वापस बंद कर दी गई और सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई। लेखिका को विश्वास था कि एक दिन गिल्लू जूही के छोटे से पीले फूल के रूप में फिर से खिलेगा और वह फिर से उसे अपने आसपास अनुभव कर पाएगी। लेखिका ने गिल्लू की समाधि अपने घर में ही जो एक छोटी सी क्यारी थी जहाँ पर सोन जूही का पौधा लगा हुआ था, सोन जूही का पौधा यानी कि एक छोटे पीले रंग का फूल है, वहाँ पर गिल्लू की समाधि यानी कि गिल्लू को वहीं पर उन्होंने दफना दिया, वहाँ उसकी समाधि बना दी। लेखिका को ये विश्वास था कि किसी दिन गिल्लू एक सोन जूही के छोटे से पीले फूल के रूप में पुनः जन्म लेगा और वे उसको अपने आसपास ही अनुभव करेंगी। आई होप बच्चों आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श और पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन में जो चैप्टर इस वर्ष के लिए डिलीट हुए हैं वह आप मार्क कर लीजिए बच्चों, और यदि किसी के पास अभी बुक नहीं है तो आप अपनी रफ कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। बच्चों अपने इस साल के लिए रिड्यूस जो चैप्टर हैं वह हैं वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन, आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिए बच्चों, और अगर बुक नहीं है तो रफ कॉपी में लिख लीजिए। अपना पहला रिड्यूस चैप्टर इस वर्ष के लिए जो डिलीट चैप्टर है वह है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। बच्चों ये आपकी स्पर्श की बुक के हैं, है ना, जो स्पर्श बुक है उसमें जो आपके इस वर्ष के लिए जो डिलीट चैप्टर है वह है, दूसरा है गीत अगीत, तीसरा है कीचड़ का काव्य, चौथा है शुक्र तारे के समान, फिर है आदमी नामा, अग्निपथ, नए इलाके में। स्पर्श बुक में इस वर्ष के लिए जो आपके डिलीट चैप्टर में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन, गीत अगीत, कीचड़ का काव्य, शुक्र तारे के समान, आदमी नामा, अग्निपथ, नए इलाके में। फिर हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक है बच्चों संचयन, संचयन के जो डिलीट चैप्टर है वह है कल्लू कुमार की उन्ना कोटी, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। आई होप बच्चों आपने ये सभी अच्छे से मार्क कर लिए होंगे और जिनके पास बुक नहीं है उन्होंने ये चैप्टर अपने रफ कॉपी में लिख लिए होंगे। स्टे होम स्टे सेफ, धन्यवाद।